मेरे मित्रों, जेम्स जी की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त भी हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। इसी व्यस्त होने के कारण में आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएं और प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना का जीवन जिए। प्रयोग अगर दानियल के साथ परमेश्वर खड़ा हो सकता है, अगर गिदोन के साथ परमेश्वर खड़ा हो सकता है, अगर उसकी छोटी शक्ति में एक बड़ी शक्ति और सामर्थ्य दे सकता है, तो वो आज आपके भी साथ है। अगर वो गिदोन को कह सकता है सूर्य सुरम यहोवा तेरे संग है, तो आज परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके संग है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, न्याय की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद में। जब हम इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति के इस शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मैदानों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? एक सवाल किया, जा मैं तुझे भेजता हूँ, तू इसी शक्ति पर चला जा। ये शक्ति क्या है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शक्ति ये थी कि मेरा परिवार और मेरा घर, मेरे बच्चे बच जाए। उनके लिए मैं आज की रात के लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। मैं इस कनक को झाड़कर अपने परिवार घराने के लिए कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उनका प्रबंध कर दूँ। उसकी ये शक्ति थी। उसकी ये शक्ति भी बन सकती है कि उसने यहोवा के आश्चर्य कर्म के बारे में सुना था पूर्वजों के द्वारा या अपने पुरखाओं के द्वारा। उसने उस कहानी को सुना था जो वो दूत को बता रहा था कि हाँ मैंने सुना है कि वो मिस्र से इजरायली को निकाल कर लेकर आया है, मैंने सुना है। और यहोवा परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की कि इसके अंदर कुछ रुतबा है, इसके अंदर कुछ करने की चाहत है, ये अगर अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता है तो ये मेरे लिए भी कर सकता है। उसने कहा अपनी इसी शक्ति पर चला जा। सोचिएगा कि उसकी शक्ति क्या थी। उसकी शक्ति ये थी कि कनक जाड़ो और कनक को इकट्ठा करो, गेहूँ को इकट्ठा करो और अपने परिवार और अपने परिवार के बचाव के लिए उसको ले जाया जाए और छुप कर काम करें, और वो ऐसा ही कर रहा। उसकी ये शक्ति थी। पर परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के लिए की गई भक्ति कितनी बड़ी सामर्थ्य और कितना बड़ा चमत्कार लेकर आती है, ये कभी भी आपने सोचा नहीं होगा। आप भूल गए होंगे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की और उसे कहा इसी शक्ति पर चला जा। इसी शक्ति पर जाने का मतलब है कि ये शक्ति, थोड़ी सी शक्ति है तेरे अंदर, इसी पे जा और इसी को मैं डायनामेटिक एक ताकत बना दूंगा। मैं ऐसा ताकत पैदा कर दूंगा जो किसी के अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। एक व्यक्ति के समान है ना, हजारों लोगों को तू मार देगा। आगे हम पढ़ते हैं, तू इसराइली को मैदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने ये हुक्म नहीं दिया? क्या मैंने ये आज्ञा नहीं दी? आपको कौन कह रहा है इस बारे में आपको सोचना है। ये मनुष्य के द्वारा आज्ञा दी गई नहीं है, ये मनुष्य की आज्ञा नहीं है कि आप उसकी आज्ञा मानकर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू जा, इसी ताकत पर जा, इसी शक्ति पर जा, क्या मैंने ये आज्ञा नहीं दी? आपको सोचना है, जरा तनिक रुकना है और रुकने के बाद ये सोचना है कि किसने मुझे आज्ञा दी है। हाँ, मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मुझे जाना है और उसका प्रचार करना है, और वो मेरे हाथ में सब कुछ कर देगा। इसलिए कहता है तू इसराइल को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? अगले पद में हम चलते हैं, उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? देखिए, अभी भी वो कमजोरी फील कर रहा है। छुप कर काम करने वाला व्यक्ति आज सामने आना नहीं चाहता। उसके पास बहुत से बहाने हैं, उसके पास बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वो जाना ही नहीं चाहता है। पर परमेश्वर का इसी शक्ति पर जा, मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर आपको भी और हम सबको भी यही कह रहे हैं, तू जा और काम कर, मेरे नाम से कर, मैं तुझे भेजता हूं। लेकिन हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर इसका पहला बहाना हम देखते हैं कि मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं। पहला बहाना इसका है कि मैं कैसे छुड़ाऊं। दूसरा बहाना है कि देख मेरा कुल मनसे के सबसे कंगाल घराना या कुल है, मनसे के बीच गोत्र से मेरा जो कुल है वो कंगाल है। इसका मतलब छुड़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, ताकत की नहीं। कई बार कहते हैं यार कुछ भी करना है तो यार पैसा तो चाहिए चाहिए पैसा, लेकिन कई बार परमेश्वर की ताकत बिना पैसे भी काम करती है। परमेश्वर का अनुग्रह बिना पैसे भी काम करता है। यहाँ पर लिखा कि उसने कहा हे प्रभु विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं, पहला सवाल किया। देख मेरा कुल मन से मैं सबसे कंगाल है। अपने कुल के बारे में और अपने कंगालीपन के बारे में बताया, क्योंकि कंगालीपन छुप कर गेहूं झाड़ने की आदत बना चुकी थी। छुप कर काम करने वाली आदत है कंगालीपन की। कंगालीपन हमेशा घर से बाहर ले जाएगी और मांगने पर आपको मजबूर करेगी, छुप कर चुराने पर आपको मजबूर करेगी, शत्रु से डर आपको हमेशा छुपाने पर मजबूर कर देगा। आप छुपाएंगे अपने आप को और छुप जाएंगे परमेश्वर यहोवा से भी। आप छुपे हुए व्यक्ति के समान अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ पर लिखा मैं कंगाल
गोत्र से आता हूँ, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। क्या है? अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। ये दुख की बात है कि इस तरीके से इसने अपने आप को हमेशा पीछे करने की कोशिश की है। जब परमेश्वर आपको हुक्म दे रहा है, परमेश्वर आपको काम दे रहा है, परमेश्वर आपको नाम दे रहा है, परमेश्वर ने अपना नाम दिया कि मैं तेरे संग हूँ, परमेश्वर ने आपको नाम दिया सूरवीर सुरमा, और आप उसके लिए काम करना नहीं चाहते हैं। बहुत से मेरे प्रिय सेवकों, आपने कई बार परमेश्वर के नाम को छोटा समझा है और उसका इनकार किया है, और आप उस काम को करने में असमर्थ हो गए हैं। आपने करने की कोशिश ही नहीं की है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, चिंता ना कर, मैंने तुझे भेजा है और निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन ये तैयार नहीं है, इसलिए तू मिदानियों को ऐसे मार देगा जैसे एक मनुष्य को मारता है, जैसे कि आपस में एक दूसरे की लड़ाई बचती है, उसके समान तू मिदानियों को, शत्रुओं को, टिड्डियों के समान आने वाले लोगों को और उनकी भीड़ को, उनके सैनिकों को, उनकी ताकत को, उनके गाय बैल पशु सबको तू नष्ट कर सकता है। हे सूरवीर सुरमा, मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि परमेश्वर आपको जोर देकर कह रहा है कि निश्चय निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और सचमुच में परमेश्वर आपके संग है, लेकिन आप अपने संग अंग संग किसी और पर रखने की कोशिश करते हैं और आप कभी भी परमेश्वर को अपने संग नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है निश्चय मैं आपके संग रहूंगा, और आप ऐसे मारोगे मैदानियों को जैसे एक मनुष्य को मारते हैं। गिदोन ने उसे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दे कि तू मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि अगर तू ही है, अभी तक सूरवीर सुरमा कहने वाला आपको बहुत से मिले होंगे लेकिन वो परमेश्वर ना हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने सूरवीर सुरमा कहकर आपको पुकारा है, गिदोन को पुकारा है, गिदोन से बातें कही है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? और आप अपनी जाति और आप अपने रंग रूप, अपनी पढ़ाई और अपने पैसा और अपनी ये सब चीज़ें दिखाकर परमेश्वर को कहना चाहते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ। हम देखते हैं कि मूसा ने किस प्रकार से, जब वो इसराइली को छुड़ाने की बात आई, उसने किस प्रकार से कहा था, उसने इस प्रकार से कहा था कि मैं बोलने में थकता हूँ, मैं तोतला हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। आज कितने जवान बेटा बेटी अपने दोस्त को खुश करने के लिए कितना तुतला कर बोलते हैं, मेरे जानों ने थाना थाया या नहीं थाया, इस तरीके की भाषा बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको स्पष्ट बोलने की बात करता है। परमेश्वर कहता है जो मैंने जुबान दी है उस तरीके से आप बात करो, क्यों तुतला कर बोल रहे हो? क्या तुम तोतले की संतान से आते हो कि तुम तोतला बोलकर एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं? ऐसे प्यार नहीं जिताया जाता, ऐसे समाज नहीं बचाया जाता, ऐसे आपका उद्धार होने वाला नहीं है। बाद में आपको चिल्लाकर बोलने की आदत पड़ेगी, पत्नी के साथ रहते हुए पति के ऊपर आप चिल्लाएंगे और पत्नी के ऊपर चिल्लाएंगे, अगर पत्नी और पति दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आप चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, क्योंकि आपकी भाषा में गड़बड़ी शुरू से हो चुकी थी, आपने अपनी भाषा में गड़बड़ी की थी, और गड़बड़ी क्या थी कि आप तुतला कर बात करते थे और उसको आप प्यार समझ बैठे थे, वो प्यार नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर गिदोन को तैयार कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा बल्कि तैयार कर रहा है, उसे सूरवीर सुरमा कहकर उसके अंदर ऊर्जा पैदा कर रहा है, एक ताकत पैदा कर रहा है, और मैं इस वचन के द्वारा आपके अंदर ताकत पैदा करने के लिए ये वचन आपको दे रहा हूँ कि आपको अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, और आपको चिन्ह मांगने की बजाय आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। सच्चे जीवित परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये मेरा वचन नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र शास्त्र का वचन है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। इससे कोई भी मुंह मोड़ता है तो प्रियो मुंह की खाता है, लेकिन जो इसकी तरफ मुंह करता है उसके मुंह को परमेश्वर आशीषित कर देता है, उसके मुंह पर नूर आ जाता है, और जो इससे दूर हो जाता है वो मुंह की खाता है और वो अंधेरी कोठरी में चला जाता है। इसलिए वचन कहता है कि मुझे कोई चिन्ह दे दे। आपको परमेश्वर बार बार कह रहा है और आपके पास बहाने हैं, आपके पास कहता है मैं कंगाल हूँ, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं, तेरी प्रजा को मैं छुड़ा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर बार बार कहता है निश्चय मैं तेरे संग, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे अकेलेपन को दूर करूंगा। परमेश्वर का वादा है आपके लिए, ये वायदे के ऊपर आप विश्वास कीजिए, उसकी वाचा के ऊपर विश्वास कीजिए। अगर वो गिदोन को कह रहा है तो आज आपको भी कह रहा है, वो आपको भी छुड़ाना चाहता है, वो आपको भी बढ़ाना चाहता है, वो आपको भी अपने काम के लिए उपयोग में लाना चाहता है। बस कमी क्या है कि आप खड़ा होना नहीं चाहते हैं, आप गिदोन की तरह बहाने लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कंगाल घराने से हूँ। यो गिदोन का जो वाक्य है ये सही नहीं है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरीके से अपने जीवन को जी।
परमेश्वर चाहता है कि आप स्पष्ट रीति से बात करें। ठीक है परमेश्वर, आपने कहा और मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर को चेक किया जाएगा कि सचमुच में मेरा परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात है, पर आप अपना समय प्रार्थना में दीजिए तो परमेश्वर आपको उन बातों को पक्का कर देगा जिसके लिए आपको आगे भेजना चाहता है, आपको मजबूती देगा और आपको कहेगा निश्चय मैं आपके संग, निश्चय मैं तेरे संग हूँ। सचमुच में परमेश्वर आपके संग है, इसलिए बहानेबाजी ना करें बल्कि परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं और खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें और निकल जाएं शत्रु को हराने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। सलाम, जय मसीह की।